मुल्की मईशत को अपने खून और पसीने से सींचने वाले मेहनतकश मजदूरों की फलाह कभी भी अरबाब इख्तियार का नस्बुल ऐन नहीं रहा। मगर इमरान खान के दौरे हुकूमत में तारीख में पहली बार रियासत ने कमजोर तबके की जिम्मेदारी ली और मेहनत कशों को इनकी मेहनत का भरपूर सिला मिला। जो कौम जिसमें एहसास होता है अपने कमजोर तबके की, अल्लाह की बरकत आती है उस कौम पर। साबका हुकूमतों में बंद इंडस्ट्रीज, लूम मिल्स समेत कारोबार में इजाफा करके मजदूरों के लिए रोजगार के मौके फराहम किए। 1990 के बाद पहली बार टेक्सटाइल इंडस्ट्री मुकम्मल तौर पर बहाल हुई है। एक्सपोर्टर्स को बड़ी तादाद में गैर मुल्की ऑर्डर्स मिल रहे हैं, जिससे टेक्सटाइल सेक्टर को 2 लाख से ज़ायद मजदूरों की कमी का सामना करना पड़ रहा है। बहरान में बंद होने वाली 50,000 से ज्यादा पावर लूम्स भी चल पड़ी है। इमरान खान वजीर आजम बने ना, मजदूर आदमी बहुत खुशहाल, बिजली भी सस्ती कर दी, मजदूर भी खुशहाल, मालिक भी। 24 घंटे चल रही थी शिफ्ट, मजदूर नहीं लाभ। आज की सूरत आला यान मार्केट देख लो, फैसलाबाद की एक्सपोर्टर एसोसिएशन देख लो, फैसलाबाद इंडस्ट्री देख लो, मजदूर देख लो, सारे घर च बह गए, सारे का घर बंद हो गया, पहिए बंद हो गया। जो जसवाल रोजगार की फराहमी के लिए एहसास रेड़ी बांध मंसूबा शुरू किया गया, जो पीडीएम की हुकूमत के सियासी इंतकाम की नजर हो गया। कई मजदूर दोस्त इकदाम लिए गए, जिनमें मजदूरों की तनख्वाह में इजाफे समेत मजदूर कार्ड के इजरा जैसा इनकलाबी मंसूबा शामिल है। इस कार्ड के जरिए गरीब मेहनत कशों को मैरिज ग्रांट, डेथ ग्रांट और स्टूडेंट टैलेंट स्कॉलरशिप समेत इलाज मुआलजे की जदीद सहूलियात और 14 अकसाम के दीगर माली फवायद दस्तयाब थे। मेहनत कशों को माली फवायद की बरवक्त अदायगी समेत मुकर्रर करदा कम से कम माहाना उजरत की बजरिया बैंक अकाउंट अदायगी की मौसर निगरानी का निजाम मुतारिफ करवाया गया। किसान कार्ड जारी किया गया, जिसमें दीगर सहूलियात के साथ किसानों को खाद और जरी अदवियात रियायती कीमतों पर दस्तयाब थी। किसान दोस्त जरी पॉलिसी के बदौलत किसानों को 1100 अरब रुपए की इजाफी आमदन हुई। जब से इमरान खान साहब आए हैं तब से किसानों की कुछ सुनवाई शुरू हुई है, हमें डायरेक्टली सब्सिडी दी जा रही है। नहीं आज तक कभी किसी किसान को इतने अच्छे फसलों के रेट मिले जो अब मिल रहे हैं, और इस वजह से अब इंशाल्लाह हम किसान तरक्की की राह की तरफ गामजन है। अल्लाह करे खान साहब को कायम व दायम रखे और इसी तरह यही पॉलिसीज हमारे चलती है। पहले किसानों को सब्सिडी लेने के लिए आइडेंटिटी के जरिए दूसरी दुकानों पर जाना पड़ता था और बायोमेट्रिक बाद दफ़ा कई के दिन नहीं होता था। किसानों को घर बैठे हुए उनके अपने अकाउंट में उनकी सब्सिडी ट्रांसफ़र हो जाएगी। ये किसानों के लिए बहुत बड़ी एक परेशानी थी, जिसको ये किसान कार्ड के जरिए दूर किया गया। मजदूर तबके के मुफ्त क्याम के लिए तमाम बुनियादी सहूलतों से आरास्ता पनाहगाहें बनाई गईं, जा बजा लंगर खाने कायम किए, जहां मेहनत कशों को 2 वक्त का खाना मुफ्त फराहम किया जाता था। मैं तो जनाब मानसरा से आया हूं, यहां को काम वगैरह की तलाश में। मुझे किसी ने बताया कि ये इमरान खान साहब की पनाहगाह है, खाना भी मिलता है, रहायश भी यहां पर है, गरीबों के लिए बहुत फ़ायदा मंद है। मैं इस्लामाबाद का लेबर हूं, मैं ये बहुत खुश हूं इमरान खान से कि इसने कोई गरीबों के लिए ये लंगर बनाया। हर तबका खसूसन मजदूर तबके को सहूलत की फराहमी के लिए सेहत कार्ड के जरिए मुफ्त इलाज की स्कीम शुरू की गई। बच्चे लेके मैं थे आगे जी लाहौर मजदूरी करन, इतने बीमार हो गए 5-7 साल का, और मैनू आपने बीमारी ऐसी लगी कि माड़ा मोटा मजदूरी करता सी उस तू ही बह गई है, इधर मेरी तो मरीज बन गई है। सेहत कार्ड से इलाज हो रहा, बहुत अच्छा हो रहा इलाज साडा, शुक्रिया इमरान खान। बगैर सूद कर्जे हसना की स्कीम शुरू की गई। ये इमरान खान जैसे विजनरी लीडर की बदौलत ही मुमकिन हुआ कि कोरोना के दौरान आलमी इक्तसादी बहरान के बावजूद दुरुस्त मुआशी पॉलिसियों के बायस मईशत का पहिया रवां रहा और गरीब दिहाड़ीदार मजदूर का चूल्हा बुझने न दिया गया। आज मुल्क पर मैंडेट चोरों के कब्जे के बायस
सनत का पहिया जाम है। बिजली बहुत ज्यादा महंगी है, टैक्सेस में बहुत ज्यादा इजाफा कर दिया गया है, सूत्र जो है वो बहुत महंगा है, जिस वजह से पावर लूम मालकान जो है वो फैक्ट्रियां बंद करने पर मजबूर हैं, जिस वजह से पावर लूम मजदूर जो हैं वो फाका कशी के मजबूर हैं, उनके चूल्हे ठंडे हो गए हैं। हुकूमत को चाहिए कि सर तवज्जो दे। मजदूर बेरोजगार है और गरीब किसान सड़कों पर अपने हकूक के लिए सरापा एहतजाज है।